आज ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको शो करना है कि दीज ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब भी आपको पॉइंट्स गिवन होंगे इसका मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है। हम ऐसे मान लेते हैं ए बी और सी ये पॉइंट्स हैं, तो वेक्टर ओ ए हम निकाल सकते हैं, इतना हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस सेवन के, और ओ बी भी निकाल सकते हैं, वो भी कितना आ जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3, इनफैक्ट लिख सकते हैं, और OC वेक्टर कितना होगा 3i प्लस 10j माइनस k। अप्रोच ये है कि अगर ये पॉइंट्स को लीनियर हैं तो वेक्टर AB इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स BC वेक्टर होना चाहिए। जो यहां पर दोनों वेक्टर्स आएंगे उनके जो कोफिशियंट्स आई जगह के उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग ये करते थे ना, दो वेक्टर्स थे, एक ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ए वेक्टर था ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के। जब ये दोनों वेक्टर क्या है कोलिनियर, तो यहां से कंडीशन निकल कर आती है ए वन अपॉन बी वन ए टू अपॉन बी टू सी टू अपॉन सॉरी ए वन ए टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो एक प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो अब हम यहां से वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर कितना होगा देखिए ओ बी माइनस ओ ए, OB माइनस OA वेक्टर, तो देखिए 2i माइनस i कितना हो गया i, 6j माइनस 2j 4j और यहां पर 3k माइनस 7k इज माइनस 4k, और क्या निकाल लेते हैं BC, BC वेक्टर OC माइनस OB वेक्टर, OC this vector minus this vector 3i minus 2i is i, 10j minus 6k plus 4j और minus k minus 3k minus 4k। अब देखिए ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 जो constants हैं, तो 1 upon 1 is equals to 4 upon 4, देखिए i का कोफिशियंट 1 है वो a1 हो गया, i का कोफिशियंट 1 है वो b1 हो गया, j का कोफिशियंट 4 है 1 हो गया a2 हो गया और b2 कितना हो गया 4, फिर क्या आएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 4, तो रेशियो 1 अपॉन 1 का है, इसलिए ये क्या होंगे तीनों पॉइंट्स को लीनियर।